नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। आज मैं आपको लेकर आया हूं रवि कुमार जी की साइट पर। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रवि कुमार कॉन्ट्रैक्टर जी की खुद की बिल्डिंग है। और इसमें जो है उन्होंने क्या कुछ काम किया है उसके बारे में आपको जानकारी देंगी। आज आपको चेन स्टेयर केस से जुड़ी जानकारी देंगे और रवि कुमार जी बताएंगे किस तरह से उन्होंने चेन स्टेयर केस की कंस्ट्रक्शन की है और इसका साइज क्या है, इसमें जो ट्रेंड है राइजर है उसकी क्या डायमेंशन है, साथ साथ जो है वो विड्थ क्या है और स्लैब की बेस स्लैब की थिकनेस क्या है। तो जानेंगे आज हम रवि कुमार जी से और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस चेन स्टेयर केस की कंस्ट्रक्शन की है। हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि कुमार, पेशे से मैं एक ठेकेदार हूँ। अच्छा रवि कुमार जी, तो आज हम आपकी साइट पे आए हैं और बहुत ही जो है वो अच्छी कंस्ट्रक्शन आपने की है, तो आज आप हमारी ऑडियंस को किस चीज़ के बारे में आप बताएंगे? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग जो है ये मेरी खुद की बिल्डिंग है। आज मैं आपको चेन स्टेयर के बारे में बताऊंगा। अच्छा, तो आज हमारी ऑडियंस को आप चेन स्टेयर केस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये चेन स्टेयर केस है और स्टेयर केस से जुड़ी जानकारी बहुत सारे हमारे ऑडियंस को चाहिए थी। आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और आप रवि कुमार जी जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये स्टेयर केस बनाई है, क्या इसकी डायमेंशन है, पूरी जानकारी आज जो है रवि जी हमें देंगे। तो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि रवि जी, जो ये स्टेयरकेस बनी है ये कौन से ग्रेड की कंक्रीट से बनी है जी? सर इसमें जो ग्रेड यूज हुआ है इसमें M20 ग्रेड यूज हुआ है। तो M20 ग्रेड जो है इसमें यूज हुआ है, जैसे कि टेक्निकल टर्म से हम देखें और आपको बताएं तो 1:1.5-3 अनुपात की जो कंक्रीट होती है M20 ग्रेड उसे कहा जाता है, तो उससे ये पूरी की पूरी चेन स्टेयरकेस बनी है। तो रवि जी आप बताइए कि यहाँ पर जो है जो चेन स्टेयरकेस बनी है उसकी डायमेंशन क्या है? तो आप देख सकते हैं सर, हाँ, इसकी स्टेप की चौड़ाई जो है हमने ये देख सकते हैं कि स्टेप की चौड़ाई जो है 11 इंच ली है हमने। अच्छा जी, तो स्टेप की चौड़ाई जो है वो 11 इंच इन्होंने ली है ताकि आसानी से जो है वो आपका जैसे कि पांव है वो पूरे स्टेप में आसानी से आ जाए। तो बहुत अगर कम साइज रहेगा स्टेप का तो उसमें चलने में दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, होगी बिल्कुल। और इसके साथ जो स्टेप की हाइट है वो कितनी है रवि जी? सर इसकी स्टेप की हाइट जो हमने हाइट इसकी ली है 7 इंच। तो एक बार हमारी ऑडियंस को बता दोगे आप मेजरिंग टेप से मेजर करके? ये देख सकते हैं आप, इसकी हाइट जो है 7 इंच है सर। ओके जी, और उसके बारे मतलब और क्या है इसमें, सारी जानकारी आप देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी जो है फर्स्ट लैंडिंग जो है सर इसकी जो है 45 इंच है, इस स्टेयर की चौड़ाई भी 45 इंच है। ये देख सकते हैं, दोबारा से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये इसकी चौड़ाई जो है 45 इंच है और इसकी लंबाई भी 45 इंच है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 45 इंच है। तो 45 इंच x 45 इंच की आपकी लैंडिंग है, और इसमें कितनी लैंडिंग है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें सर 2 लैंडिंग है। 2 लैंडिंग है, अच्छा। और इसमें क्या कितने स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स बता दीजिए। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स, सारे स्टेप इसमें 20 स्टेप है सर। अच्छा 20 है, और ये जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे जो है वो 3 स्टेप है, उसके बाद लैंडिंग है, उसके बाद जो है हमारी ये लैंडिंग आ गई जी, उसके बाद 3 के बाद जो है अगली लैंडिंग हमारी 16 नंबर पे, अगली लैंडिंग 16 नंबर पे। और बीच में कितने स्टेप हैं ये? बीच में हमारे 11 स्टेप है। अच्छा, और ऊपर जो है वो 3, ऊपर 3 है, 3 के बाद हमारा जो है स्लैब शुरू हो जाता है। तो एक बार बता दीजिए कि स्टेयर केस की चौड़ाई कितनी है? ये देखिए चौड़ाई सर इसकी जो है 45 इंच है, ये देखिए। अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो आप इसकी पूरी डायमेंशन के बारे में बता सकते हैं हमें? पूरी डायमेंशन 81 इंच की ऐसे चौड़ाई है जी, और 212 इंच की ऐसी लंबाई है जी जी, और इसकी हाइट जो है 140 इंच है। अच्छा, मतलब कि अगर आपको इस तरह की स्टेयरकेस बनवानी है तो आप जो है वो आपके पास जगह होनी चाहिए यहाँ इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पर मतलब कि स्टेयरकेस की जो लंबाई की बात करें तो वो है आपकी 212 इंच। ठीक है जी, 212 इंच जगह चाहिए होगी लंबाई में, और चौड़ाई में कितनी सर? चौड़ाई में 81 इंच। 81 इंच वहाँ से भी 81 इंचेस, और यहाँ से भी 81 इंचेस। और उसके बाद फ्लोर हाइट की बात करें तो फ्लोर हाइट क्या है सर आपकी? फ्लोर हाइट सर 140 इंच है। 140 इंच जो है फ्लोर हाइट है, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो यहाँ पर 20 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। और साथ ही साथ जो है वो आप वेस्ट स्लैब के बारे में बता दीजिए कि मोटाई कितनी है आपकी स्टेयरकेस की? इस स्टेयरकेस की मोटाई जो है ये देख सकते हैं आप, इसकी 4 इंची जो हमने मोटाई रखी है, ये देखिए जी 4 इंची इसकी मोटाई है। 4 इंची की मोटाई रखी है। अगर हम बात करें रवि जी, जो हम आपने देखा भी होगा और बनाया भी होगी उस तरह की स्टेयरकेस, जो नीचे से जो है वो प्लेन स्टेयरकेस होती है, जिसका जो नीचे से हिस्सा होता है जी जो बिल्कुल सीधा होता है, प्लेन होता है, तो उसमें और इस स्टेयरकेस में क्या फर्क है? आपको क्या लगता है कि ये जो है ज्यादा कॉस्टली होती है या फिर ये वाली जो है आसानी से बन जाती है, क्या है इसके बारे में? ये तो थोड़ी सी मुश्किल से, दूसरी वाली प्लेन वाली जो होती है वो मतलब थोड़ी आराम से बन जाती है। ये स्टेयर जो है दिखने में सुंदर होती है और कॉस्टली तो होती है ना, पर ये कि बिल्डिंग में जो है इसकी सुंदरता बहुत अच्छी आती है।
जब इसके जो है मार्बल लग जाता है बहुत अच्छी दिखती है ये। तो एस्थेटिक लुक जो है अगर आपको अपने घर की अच्छी चाहिए, बिल्डिंग की अच्छी चाहिए, तो फिर आप चेन स्टेयरकेस के साथ जा सकते हैं। सिंपल वाली सीढ़ियां पहले से बनती आई हैं, लेकिन जो है वो आजकल ट्रेंडिंग जो है वो ट्रेंडिंग में जो है वो चेन स्टेयरकेस है, इसलिए आज हमने आपको चेन स्टेयरकेस के बारे में जानकारी दी। और हम पूछेंगे रवि कॉन्ट्रैक्टर जी से कि वो इस फील्ड में कब से हैं और क्या सर्विस जो है वो देते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो है क्या सर्विस रवि कुमार कॉन्ट्रैक्टर जी के द्वारा दी जा सकती है। सर मैं इस लाइन में 2013 से इस लाइन में हूँ, तो जो है हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और साथ में जो है हम जो है स्टोन ब्रेकिंग का भी काम करते हैं। स्टोन ब्रेकिंग जैसे हम ब्लास्टिंग से पत्थर को ब्रेक करते हैं और केमिकल जो है पत्थर को ब्रेक करते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या रहता है सर, दो तरीके से, तो केमिकल का कैसे यूज होता है और उसके क्या फायदे? केमिकल से जो होता है किसी साइड में, जैसे मान लो घर साथ में है, तो हम उसे जो है केमिकल से ब्रेक करते हैं पत्थर को। अच्छा, उसमें ब्लास्टिंग करने से खतरा रहता होगा? हाँ, ब्लास्टिंग से थोड़ा खतरा रहता है सर। ब्लास्टिंग से ऐसे थोड़ा अलाउड नहीं है ब्लास्टिंग ना, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा इसको हम अवॉइड ही करते हैं। और ये है हमारे रवि कुमार जी, और इन्होंने जो भी बताया आपको चेन स्टेयरकेस के बारे में, मुझे लगता है कि आपको चेन स्टेयरकेस से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ जो है ये क्या सर्विस देते हैं और किस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जो है वो रवि कुमार जी का खुद का पेज है फेसबुक पे, जैसे कि मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियो, तो उसके बारे में बता दीजिए। सर मेरा फेसबुक पे पेज है अपना यासिका कंस्ट्रक्शन के नाम पे, और इंस्टाग्राम में भी है हमारा पेज अपना यासिका कंस्ट्रक्शन के नाम से, तो आप उसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो आप यासिका कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन वर्क को देखना चाहते हैं, उनकी वीडियोज़, उनके काम को देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पेज पे विजिट करें। और साथ ही साथ अगर आपको दी गई जानकारी और वीडियो या फिर कंस्ट्रक्शन आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें और हमारे रवि कुमार जी के पेज को फॉलो भी करें, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप बताएं कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन की वीडियो आपको चाहिए, हम वो वीडियो आपके लिए अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।